स्वतंत्र भारत में बाबा साहब को पहली बार अगर किसी सरकार ने सम्मान दिया है तो वह सरकार है मोदी सरकार, जिसने पंच तीर्थ बनाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। और बहनों भाइयों, यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार तो आपका समाप्त कराया कि अयोध्या में प्रभु राम को विराजमान कर दिया, लेकिन प्रभु राम को विराजमान करने के पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी करने का काम किया गया। आज जब मैं यहां पे आया हूं हरिद्वार संसदीय सीट पर, बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं, लेकिन जीत ऐसी होनी चाहिए जो ऐतिहासिक हो, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अपील करने के लिए इसलिए आपके पास आया हूं, त्रिवेणी जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन में कार्य किया, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में कार्य किया, मुख्यमंत्री के रूप में हम दोनों ने 4 साल तक लगातार काम किया, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जितनी भी समस्याएं थी ना, जो पिछली सरकारों ने, और कांग्रेस तो खासतौर पर समस्या देने के लिए जानी जाती है, जो समस्याएं उन्होंने छोड़ी थी, हम दोनों ने उसको समाधान के एक मार्ग पर ले जाकर के अंततः उन सभी समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकाला। बहनों और भाइयों, तब भी हम चर्चा करते थे कि देवभूमि का विकास देवभूमि के अनुरूप होना चाहिए, केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पुनरोद्धार का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया था, मुझे कई बार केदारनाथ धाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उनके साथ में। बहनों और भाइयों, वह अभिनंदनीय है, और हम लोग चाहते हैं जैसे अयोध्या बन चुकी है ना, उसी तर्ज पर हरिद्वार को भी बनाना संवारना है। इसके लिए सौभाग्य से त्रिवेणी जी आपके सांसद प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आ चुके हैं। अनुभव, जब व्यक्ति का अनुभव होता है तो